हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजाता किशनगर नदिया से। आज मैं आपके साथ गुलाब की पौधे रिपोर्टिंग करके शेयर करूँगी, रिपोर्टिंग बताऊँगी। देखिए, उसके लिए मैं ये वाला जो पॉट है वो मैंने चूज़ की है। देखिए, ये 8 इंच वाला पॉट है, 8 इंच से थोड़ा बड़ा ही होगा। ये मैं अपनी हाथों से तैयार की है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं गुलाब की पौधे रिपोर्टिंग करके आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे पास मेरा जो पॉट है मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है, अब मेरे वीडियो जो रोज़ देखते हैं तो मेरे पास पॉट थी नहीं, तो मैं ये वाले पॉट तैयार की है। फिर कलर करने के बाद मैं रिपोर्टिंग बता रही हूँ। इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो पौधे तो मैं बहुत दिन पहले लेकर आई हूँ। तो अभी मैं आपके साथ ये गुलाब के पौधे शेयर करूँगी। देखिए, ये पॉट बहुत अच्छी थे और बहुत खूबसूरत से बनाया हूँ मैं। और ये जो गुलाब है, मैं इसको रिपोर्टिंग करके बताऊंगी। देखिए, ये मैंने ये गुलाब ली है और इसको मैं पानी में डीप करके रखी हूँ, क्योंकि मैं ये मिट्टी नहीं रखूँगी पौधों के साथ। इसके लिए मैं भिगा के रखी हूँ, पानी के अंदर डीप करके रख दिया मैं। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ सॉइल मैं कैसे बनाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सॉइल कैसा ली है। देखिए, ये मैं परसे ने मोटी वाली जो बजरी है छान के, जो रेती छान के जो मिलते हैं कंस्ट्रक्शन की काम जो चलते हैं, जो मोटी वाली रेती छान के जो मिलते हैं वो वाला मैंने ली है 20%, और मोटी वाली बजरी जो है वो मैंने ली है 20%, और 10% मैंने मिट्टी ले रखी है, 10% मिट्टी है, और 20% पत्तों की खाद और 20% मैं गोबर की खाद ली है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो किचन कंपोस्ट भी आप 40% ले सकते हैं। मेरे पास जैसे थी वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके 20-20 ऐसे करके मिलाया, और उसके साथ मिलाई थोड़ी 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर और 1 मुट्ठी बोन डस्ट और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी नीम खल्ली। देखिए ये सब, देखिए मैं सारी मिट्टी निकाल दी, इस तरह से फ्रेश कर ली मैंने रूट्स को। अभी देखिए आगे क्या करती हूँ, मैं सारे लीव्स और जो फूल है वो मैं निकाल दूंगी। देखिए नाइफ है, ये मैं सैनिटाइजर से साफ कर लेती हूँ। सैनिटाइजर से साफ कर ली, अभी मैं एक एक करके सारे लीव्स तोड़ दूँगी। सारे लीव्स और फूल मैंने काट दी है। देखिए अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। इसको अच्छी तरह से ऐसे सेट करके अंदर बिठा के, जितना तक पहले से लगी हुई थी मिट्टी के अंदर उतना ही मिट्टी के अंदर डीप करके डालनी है। अभी रिपोर्टिंग हो गई है, अभी मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के लिए पहली बार फंगिसाइड पाउडर देना ज़रूरी है। मैं पहले से ही मिट्टी के अंदर डालती हूँ, फिर भी मैं गुलाब की रूट शेरखानी की है मैं, तो इसके लिए दोबारा सा पानी फंगिसाइड वाला पानी मैं डालूंगी। इस तरह मैं पानी डाल दी। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग हो गया है।
देखिए इस तरह कितने अच्छे सॉइल में मीडिया मैंने बनाई है। देखिए पानी डालने के साथ साथ जितना पानी लेना है पौधों को उतना आप ले लेंगे, बात की एक्स्ट्रा पानी जो है पूरी तरह से ड्रेनेज होल हो जाएंगे सब। मैं ऐसे सॉइल इसके लिए ली है कि सब घेस में गोला बनाते हैं, तो मैं मेरी जानकारी के हिसाब से मैं जितने दिन से गुलाब बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं इस तरह से सॉइल मीडिया रेडी करके गुलाब रिपोर्टिंग कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ। और उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छे से गुलाब होंगे इस में सॉइल मीडिया से। गैस में जितना मेहनत होता है उतने से ये मेहनत उतना ज़्यादा नहीं होगा, जितना पानी लेना है उतना ही पानी लेगा। और हर रोज़ पौधों को खाना देने की ज़रूरत भी नहीं है, गैस में हर रोज़ खाना देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो देने के साथ साथ नीचे से ड्रेनेज होल से पानी पूरा निकल जाती है। इसके लिए 2-4 बार पानी डालना पड़ता है दिन में, और इसमें ऐसे नहीं होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया तो शायद 2 बार पानी डालना ज़रूरी होगा, नहीं तो हर रोज़ भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगा। शायद आप इसमें अगर सॉइल मीडिया करेंगे तो देख के ही पता चल जाएंगे कि पानी डालना ज़रूरी है क्या नहीं। जिसने जैसे हिसाब से पानी डालना ज़रूरी होगा तो उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। देखिए मैं इसके लिए पहले पुराना मिट्टी कुछ भी नहीं रखा, इसके लिए मैं इसका सारे लीव्स फूल सब मैं निकाल दी है और उसको अच्छी तरह से धो के फ्रेश कर ली और रिपोर्टिंग की है। देखिए और आगे जाके आपको कैसा ग्रोथ आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या फर्टिलाइज़र कर रही हूँ मैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, जब तक नई शूट नई ब्रांच नहीं आएगा तब तक कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। और इसको जब तक नई शूट्स नहीं आ रहा है तब तक सेमी शेड में रखिए, और जब भी नई शूट आ रहा है तो आधे दिन के धूप में इसको बाहर रखिए। इस तरह से गुलाब को सेटिंग करके रखिए। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे जाके मैं आपको ये टिप्स दिखाऊंगी।